Assalamualaikum class, hope you all are fine. Today we're gonna start our chapter number 2 from section geography. The topic of our chapter is weather and climate. तो सबसे पहले जो है हम वेदर एंड क्लाइमेट को जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इसमें वेदर और क्लाइमेट में जो है वो डिफरेंस क्या होता है. वेदर इज़ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन एनी वन डे. किसी भी एक दिन की जो क्लाइमेट की कंडीशन होती है उसको जो हम वेदर कहते हैं. यानी कि जो एटमॉस्फेयर की टेम्परेरी कंडीशन जो होती है, जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, उसको हम वेदर कहते हैं, जो कि चेंज होती है विद इन आवर्स और यू कैन से विद इन मिनट्स. एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर हम प्रीवियस डेज़ की बात करें तो यहाँ पर जो है अगर हम एग्जाम्पल इस बात ये की एग्जाम्पल देते हैं कि जो है कुछ टाइम पहले जो हम देख रहे थे कि कुछ दिन पहले जो हम देख रहे थे कि एक ही दिन में क्या हो रहा था कि कुछ टाइम पहले जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी, उसके एक दिन बाद या फ्यू आवर्स बाद के हम देख रहे थे कि हॉट एंड सनी डे जो आ रहा था, यानी कि वो क्लाइमेट का टेम्परेरी चेंज था, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर. वेयर एज वेदर इज़ द एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ होल ईयर. यानी कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो वेदर का की कंडीशन होती है, जो लॉन्ग पीरियड के लिए जो उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको हम वेदर क्लाइमेट कहते हैं. अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो यहाँ पर जो है उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है डेजर्ट की. यानी कि अगर डेजर्ट में जो है अगर एक दिन जो है बारिश हो जाती है, इट गेट रेनी ड्यूरिंग अ ईयर, दैट डजंट मीन कि वहाँ का जो क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया. दैट्स मीन कि उसका जो टेम्परेरी क्लाइमेट जो था, वेदर जो था वो चेंज हुआ था, उसका क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ड्राई ही रहेगा. इसी तरह से अगर हम आर्कटिक रीजन्स की बात करते हैं, आर्कटिक रीजन्स जो होते हैं हमारे कोल्ड एरियाज या कोल्ड रीजन्स जो होते हैं हमारे, यानी कि जहाँ पर जो क्लाइमेट जो है वो कोल्ड ही रहता है, बिटरली या फिर कह सकते हैं कि बिटरली कोल्ड रहता है, उन एरियाज़ की हम बात करें, जैसे कि हमारे पास आर्कटिक रीजन्स आते हैं, स्वीडन, कैनेडा, आइसलैंड, रशिया, इन एरियाज़ की या इन रीजन्स की हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट जो है वो कोल्ड ही रहता है. तो अगर यहाँ पर अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए समर भी आता है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ है. दैट्स मीन कि वो टेम्परेरी उसका जो वेदर जो है वो चेंज हुआ है, उसका क्लाइमेट जो है वो कोल्ड या फिर बिटरली कोल्ड ही रहेगा. इसी तरह से जो है क्लाइमेट जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है कि वो डिसाइड करता है कि यहाँ के लोग जो है वो क्या खाएंगे या किस तरह से रहेंगे और कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं. यानी कि एग्रीकल्चर पर जो है वो क्लाइमेट जो है वो कंट्री का बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. वो किस तरह से इफेक्ट करता है कि अगर हम यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है राइस की, तो राइस के लिए आपको पता है कि हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिड या वार्म क्लाइमेट जो है या हॉट क्लाइमेट जो है वो चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी भी रिक्वायर होता है, जो कि इसको जो है हम कोल्ड एरियाज़ में जो है वो ग्रो नहीं कर सकते. इसी तरह से समर, जैसे कि आप सबको पता है कि समर में जो है वो मैंगोज़ इज़ अ समर फूड, तो हम लोग अगर मैंगो की बात करें तो उसके लिए भी हमें जो है हॉट इन ह्यूमिड या फिर ड्राई या हॉट ड्राई समर जो है वो रिक्वायर होता है, तो हम उसको जो है कोल्ड एरियाज़ में जो है वो फिर जो है वो ग्रो नहीं कर सकते. यानी कि क्लाइमेट जो है वो इस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट करता है किसी भी कंट्री की एग्रीकल्चर पर या उसके रहने के तौर तरीक़ों पर. अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कॉजेज क्या हैं क्लाइमेट की. तो जिसमें सबसे उन्होंने एक फैक्टर बताया हुआ है यहाँ पर, टेम्परेचर इज़ वन फैक्टर. किस तरह से टेम्परेचर जो है वो इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट को, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि नॉर्मली द क्लोज़र वी आर टू द इक्वेटर द वार्मर एंड वेटर इट विल बी. एट द नॉर्थ और साउथ पोल इट विल बी बिटरली कोल्ड. तो यहाँ पर हम ये बात करें कि इक्वेटर एग्जैक्टली है क्या. ये जो आपको एक लाइन ड्रॉन नज़र आ रही है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर. अब यहाँ पर इसके नॉर्थ पोल वाली साइड पर क्या है कि आर्कटिक ओशन है, जबकि साउथ पोल वाली साइड पर अंटार्कटिका है. ये जो लाइन ड्रॉ नज़र आ रही है, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर. अब इसके आसपास के जो रीजन्स होंगे या जो आसपास के एरियाज़ होगा, वहाँ पर जो क्योंकि वो उसके क्लोज होंगे, दैट्स मीन कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो वार्म होगा. यहाँ पर कौन कौन से इसके पास आती हैं, तो सम कंट्रीज़ ऑफ साउथ अमेरिका, मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीका एंड सम पार्ट ऑफ एशिया. यानी कि जो इसके आसपास के इलाके हैं या जो इसके आसपास के रीजन्स हैं, वो क्या होगा कि इक्वेटर के नज़दीक होने की वजह से उसकी सन रेज जो है वो उसका डायरेक्टली हिट करेंगी और उसके वो जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो वार्म
और होगा, जबकि वेरियस हमने जो बात की थी साउथ और नॉर्थ पोल की, तो वहाँ पर जो है वो क्योंकि आर्कटिक और अंटार्कटिका है, दैट्स वाई वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो बिटरली कोल्ड होगा। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें एग्जांपल दी है एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से अबव जो होता है हाइट जो होती है वो जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टेम्परेचर पे और इस टेम्परेचर जो वो टेम्परेचर जो है वो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यहाँ पर उन्होंने जो है आपको एग्जाम्पल दी है माउंट किलिमांजारो की, जो कि है 5200 मीटर्स अबव। माउंट किलिमांजारो जो है ये कीनिया में पाया जाता है, ठीक है, इसका जो ये इक्वेटर की राइट साइड पर है, इसलिए इसका जो लोअर पार्ट है वो जो है हॉट होता है, जबकि इसका जो अपर पार्ट जो होता है उसमें क्या है कि वो सारा साल जो है वो स्नो के साथ कवर रहता है। उसकी वजह ये है कि इक्वेटर के नज़दीक होने के बावजूद, यानी कि अ लिटल बिट डिफरेंस फ्रॉम इक्वेटर, तो उसके इक्वेटर के डिफरेंस अ लिटल अवे फ्रॉम इक्वेटर होने की वजह से क्या है कि उसका लोअर पार्ट जो है वहाँ पर तो जो है वो जो है वो हॉट रहता है, जबकि उसका टॉप जो है वो सारा साल स्नो के साथ कवर रहता है उसकी हाइट की वजह से, क्योंकि ये हाइट पे है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक और फैक्ट जो कि है प्रॉक्सिमिटी यानी कि नियरनेस टू द सी। अब टेम्परेचर जो होता है नियरनेस्ट जो है उसके पास सी के पास होने की वजह से क्लाइमेट पर जो है नियरनेस टू द सी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है क्लाइमेट पर। अब इसमें हमें यहाँ पर उन्होंने जो है वो एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे आपको एक नीचे जो है वो चार्ट भी टेबल या चार्ट जो आपको एक शो किया हुआ है। अब इस तरह से ये है कि यहाँ पर जो है टेम्परेचर ऑफ द ओशियन डज नॉट वेरी मच फ्रॉम समर टू विंटर, यूजुअली द सी कीप्स प्लेसेस नियर द कोस्ट कूलर इन समर एंड माइल्डर इन विंटर, यानी कि सी के आसपास होने की वजह से उसका जो इफ़ेक्ट जो है वो क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा होता है। अब वो इसमें क्या करते हैं कि जो है समर में जो है उसको कूलर रखते हैं और विंटर में जो है उसको माइल्डर रखते हैं। दूसरे एरियाज़ के साथ जो उसके आसपास के जो सिटीज़ होती हैं उसके साथ जो है इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक चेंज होता है। जैसे इन्होंने नीचे आपको जो है चार्ट में जो है एग्जांपल दी हुई है, कराची जो है 18 और जुलाई में जो है जनवरी में जो है 18 और जुलाई में 31.5, तो इसका डिफरेंस उन्होंने आपको बताया हुआ है। इसी तरह से लाहौर का जो है उन्होंने आपको उससे डिफरेंस बताया हुआ है और साइबेरिया का। नीचे हियर इज़ अ क्वेश्चन कि इस तरह से ऐसा क्यों है, व्हाई डू यू थिंक देयर इज़ अ मच डिफरेंस सच डिफरेंस इन समर एंड विंटर टेम्परेचर इन लाहौर एंड साइबेरिया एज़ कम्पेयर टू कराची। तो उसकी रीज़न क्या है कि लाहौर एंड साइबेरिया आर इन सेंटर ऑफ लैंड मास, यानी कि लैंड मास मीन्स अ लॉट ऑफ लैंड अराउंड दीज एरियाज, इनके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा लैंड है। लैंड जो है वो हीट भी जल्दी होती है और कूल भी जल्दी होती है देन वाटर, यानी मीन्स लैंड हीट मच क्विकली एट इट हीट मच क्विकली एंड इट गेट कूल मच क्विकली देन वाटर। तो इस तरह से क्या होता है कि समर में जो है वो बहुत ज़्यादा इसको हॉट कर रखती है, यानी कि इसके इन एरियाज़ को बहुत ज़्यादा हॉट रखती है, उसका टेम्परेचर जो है चेंज होता है सम हाउ। इसी तरह से जो है वो विंटर में भी वो जल्द ही जो है वो कोल्ड हो जाती है और इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ओशियन करंट। ओशियन करंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ओशियन करंट्स क्या होते हैं, दीज आर द बिग लार्ज वेव्स डैट गोज ऑन इन टू द सी, ट्रेवल अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, ये जो है वो ओशियन करंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताया